हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एनिमल एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम में आपको ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पे कुछ लिखा है, तो इन एनिमल्स के बारे में बताना है, इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं। आइए मेरे साथ हम लोग दोनों मिल करके पढ़ते हैं, ठीक है? ओके बेटा, तो सबसे पहले हर्बीवोरस दैट ईट ग्रास। यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये भेड़ की है, ये गोट की है, गोट मतलब बकरी। तो इन दोनों, ये दोनों क्या करती हैं? ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो घास खाती हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप हेल्प बॉक्स पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 1 A C E G इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ एक खाली बॉक्स दिया हुआ है, तो जो भी इसका नाम होगा आपको वहां पे फिल करना है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हर्बीवोरस बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ग्रेजर्स। और ग्रेजर्स कितने नंबर पर है? एफ पर। तो आप यहाँ क्या फिल कर दोगे? यहाँ पे एफ फिल कर दोगे बेटा, ठीक है? ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं उन्हें ग्रेजर्स बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, एनिमल दैट आर एक्टिव एट नाइट। ऐसे एनिमल्स जो रात के समय एक्टिव होते हैं, रात के समय ही उठते हैं, रात के समय ही सारे काम करते हैं, इनको रात के टाइम पे ज्यादा दिखाई देता है, तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हेल्प बॉक्स की मदद लेंगे, आ जाओ जल्दी बोलो। उनको बोलेंगे नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स। क्या बोलेंगे? नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स। और नॉक्ट्यूर्नल कितने नंबर पर है? ए। तो आप यहाँ क्या फिल करोगे? ए, ठीक है। फिर आ जाओ एनिमल्स विदाउट बैकबोन। ऐसे एनिमल जिसके पास बैकबोन ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? चलो फिर से हेल्प बॉक्स की मदद लेते हैं। उसको बोलेंगे इनवर्टेब्रेट्स। और इनवर्टेब्रेट कितने नंबर पर है? ई पर। तो आप यहाँ पर ई फिल करेंगे, ई लिख देना यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रंक हैविंग एनिमल्स, जिनके पास एक लंबी सी सूंड होती है, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? चलो यहाँ पे देखो, उन एनिमल्स को जल्दी जल्दी बोलो क्या बोलेंगे? फटाफट से बोलेंगे स्नाउट। स्नाउट है जे नंबर पर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जे। इन जिनके पास लंबी सी सूंड होती है उन्हें स्नाउट बोलते हैं। फिर आए नेक्स्ट पर एनिमल्स दैट कैन बुरो। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास जो क्या है, जिनके पास वो बहुत छोटे से होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बेटा, इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? इन एनिमल्स को बोलेंगे रोडेंट। तो रोडेंट कितने नंबर पर है? देखो देखो देखो, सी। तो आप यहाँ पर सी फिल कर देंगे, ठीक है? आ जाओ फिर नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ तो हम खुद से भी लिख सकते हैं, आइए अब खुद लिखते हैं। प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस बाय मीन्स ऑफ एग्स। ऐसे बर्ड्स जो कि एग ले करते हैं और अपने नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, मतलब अंडे दे करके उनसे बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे कौन से बर्ड्स या कौन सी एनिमल्स हैं जो एग लेकर के बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओवीपैरस। ओवीपैरस, ओवीपैरस कितने पर है? आई। तो आप यहाँ पर आई फिल कर दोगे, ठीक है? ये लीजिए। नेक्स्ट है एनिमल दैट सकल देयर यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो आपके पूर्वज की तरह ही दिखते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो आपसे मिलते जुलते हैं। तो कौन से एनिमल हुए वो, बताओ बताओ? उनको बोलते हैं मैमेलियन। क्या? मैमेलियन। मैमेलियन किस नंबर पे है? एच पर। तो आप यहाँ क्या फिल कर दोगे? एच। फिर आ जाते हैं एनिमल दैट कैरी देयर यंग वंस इन देयर पाउच। ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बच्चे को अपने पाउच के अंदर रखते हैं, और पाउच कहाँ रहता है? उनका पेट पर लगा हुआ रहता है। जैसे पिक्चर देख रहे हो, तो इसमें इस एनिमल का बेबी इसके पाउच में बैठा हुआ है। तो ये एनिमल्स क्या कहलाएंगे बेटा? बोलो बोलो क्या कहलाएंगे? इन एनिमल को बोलते हैं मार्शियोपेली।
क्या मार्शुपली कितने नंबर पे है? डी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डी। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर। ऐसे एनिमल्स जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, उन एनिमल्स को बोलते हैं एम्फेबियन। कैसे? ऐसे एनिमल्स जो धरती पे और पानी में दोनों जगह रह सके, उनको बोलते हैं एम्फेबियन। और एम्फेबियंस का दूसरा नाम बताइए। चलो दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। एम्फेबियन यहाँ पर कितने नंबर पे है? बी पर। यहाँ पर आप बी लिखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मीट ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो मीट ईट करते हैं, मतलब मांस खाते हैं, तो कौन से एनिमल, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। जो घास खाते हैं उनको उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। और जो मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस जी पे है, तो आप यहाँ जी लिख दीजिए। हो गया कंप्लीट। इतना इजी और आसान तो था ये, आपने लर्न करना है बेटा। ओके, सो थैंक यू सो मच।